गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आपने देखा, हम पढ़े थे ताजिया का कवि कोयल मन हरकित करे।
करो लागे काग दसना रा गुण राजिया। यहाँ पे कृपाराम खेड़िया जी कहना चाहते हैं जो कोयल है वो मन में अनुराग पैदा करती है, प्रेम पैदा करती है, हमारे मन को हर्षित करती है यानी प्रसन्न करती है, कोई की आवाज़ में कोयल की आवाज़ में अच्छी लगती है। कड़वी लागे काग रसना रा गुण राजिया, और जो काग है जो कौवा है वो कड़वा लगता है, उसकी आवाज़ कड़वी लगती है, उसकी आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती। तो इसमें किसका गुण बताया गया है? रसना का। रसना यानी जीभ का, वाणी का, वाणी का गुण है। जिसकी वाणी अच्छी है उसको लोग उससे प्रेम करते हैं, और जिसकी वाणी जो है अच्छी नहीं है तो उससे लोग प्रेम भी नहीं करते हैं, उससे प्रसन्न भी नहीं रहते हैं। आगे देखिए, दूध नीर मिल दोए एक जैसी आकृति हुए करेन न्यारो कोय राजहंस बिना राजिया। यानी दूध और नीर, जो पानी और दूध को नीर को अगर एक कर दिया जाए और तो उनकी आकृति एक जैसी हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि दूध के अंदर अगर पानी मिला दिया जाए तो उसकी आकृति भी सफ़ेद हो जाती है, फिर उनको कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, राजहंस बिना राजिया, केवल एक राजहंस में ऐसे गुण होते हैं जो दूध को और नीर को अलग कर सकता है, इसके अलावा और किसी में ये गुण नहीं होता है। नेक्स्ट, मलियागिर मंझार हर को तर चन्नन हुए संगत लिए सुथार रूका ही रे राजिया। मलियागिर, मलय पर्वत के जो चंदन के वृक्ष होते हैं उनकी जो हवा आती है तो वहाँ पे पूरा जो वातावरण होता है वो खुशनुमा होता है, क्योंकि चंदन की खुशबू चारों तरफ फैली हुई होती है। और संगत लिए सुतार, संगत का मतलब अगर अच्छी संगति होती है तो रूखा यानी सूखे वृक्ष होते हैं उनसे भी खुशबू आती है। तो मलयगिरी जो पर्वत है वहाँ पे सूखे वृक्ष है, लेकिन सूखे वृक्ष क्योंकि संगत उन्होंने चंदन के वृक्षों की कर रखी है तो उनमें भी जो है खुशबू आती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अच्छी संगत लेनी चाहिए, अगर हम अच्छी संगत में रहेंगे तो हमारे से भी जो है हम भी अच्छी आदतें सीखेंगे, और अगर हमारी संगत खराब होगी तो फिर हमारी भी आदतें खराब हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पाटा पीड़ उपाव तन लाग्या तरवारियाँ वय जीबरा गाव रत्ती ने औखद राजिया। पाटा पीड़ उपाव की कहने का तात्पर्य यहाँ भी ये कहना चाहते हैं कि जो जीभ की जो बोले हुए बोल होते हैं पीड़ा होती है, वो पीड़ा इतनी होती है ताना तन लागा तरवारियाँ, चाहे तन पे जो तलवार लग जाए तो उसके घाव ठीक हो सकते हैं, लेकिन जीभ के जो घाव होते हैं रत्ती ने औखद राजिया वो कभी भी ठीक नहीं होते हैं। यानी कोई ऐसी बात है जो हमें कोई गलत बोल देता है जो हमारे दिल को ठेस पहुँचाती है वो जो है कभी भी सही नहीं होती है, चाहे तलवार का घाव ठीक हो जाए लेकिन जीभ के घाव कभी भी ठीक नहीं होते हैं। तो हमें जीभ के बजाय मतलब बोलते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बोल रहे हैं सामने वाले को, किसी को उसके दिल को उसको भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचे। नेक्स्ट है, मूसा ने मजार हितकर बेटा हेकण सह जाने संसार रसने रहसी राजिया। मूसा कहते हैं चूहे को, मजार कहते हैं बिल्ली को, चूहा और बिल्ली कभी एक नहीं हो सकते, और अगर कभी जो है चूहा अगर मान लो बिल्ली से हित कर बैठ जाता है, उसके साथ रहने लग जाता है तो सह जाने संसार, तो पूरा संसार जानता कि रस न रहसी राजिया, उनके बीच में कोई रस नहीं रहेगा, यानी इनके बीच में कभी भी प्रेम नहीं होगा। चूहा और बिल्ली दोनों आपस में दुश्मन थे, दुश्मन हैं और दुश्मन रहेंगे, कितना ही साथ रख ले उनमें प्रेम नहीं होगा। तो जो जिसका व्यवहार जैसा होता है उसका वैसा ही व्यवहार होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए 13वें नंबर का, खल गुण अणखुताए एक भाव करे आदरे ते नगरी हुताए रोई आछी राजिया। खल जो होते हैं, खल यानी दुर्जन व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो खुताए होते हैं, यानी वो गुण हमेशा वैसे ही अवगुण रहते हैं, एक भाव करे आदर, और वो सब दुर्जन जो व्यक्ति होते हैं वो सभी व्यक्तियों के साथ एक ही प्रकार का आदर रखते हैं, उनके लिए कोई सज्जन नहीं होता कोई दुर्जन नहीं होता, वो सबको समान मानते हैं। ते नगरी हुताए रोई आची राजिया, तो ऐसे व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं जो किसी भी नगर में बसते हैं तो उस नगरी का हमेशा वो नगरी जो है रोई आची रहती है, यानी कहने का तात्पर्य उस नगरी का कभी भला नहीं हो सकता। जहाँ दुर्जन व्यक्ति है तो वो सज्जन और दुर्जन को जहाँ एक समझा जाता है तो उस नगरी का कभी भला नहीं हो सकता। आगे देखिए, गण गण साबण खाए न फूटे पहाड़ निवड़ जड़ कोमल बिध जाए राय पड़े जद राजी। गण गण साबल गाय का मतलब होता है कि चाहे कितने ही गण जो साबल होती है लोहे का हथियार होता है, लोहे का मोटा सा जिसको हम हथौड़ा भी बोल सकते हैं, वो चाहे कितना ही पहाड़ को उसको
फोड़ने की कोशिश करे न फूटे पहाड़ निवड़े, लेकिन कठोर पहाड़ उससे नहीं फूटता है, यानी कितना ही उस पर चोट की जाए जड़ कोमल बिद जाए, लेकिन जब अगर जड़ों में प्रहार किया जाए तो फिर राय पड़े जज राजिया, तो राय यानी दरार पड़ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि पहाड़ को अगर ऊपर से तोड़ा जाए तो नहीं टूटेगा, उसकी जड़ों पर प्रहार किया जाएगा तो वो टूट जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम कोई कमजोरी, हमारी कमजोरी अगर किसी को पकड़ में आ जाती है तो फिर वो हम पर हावी हो सकता है, इसलिए हमारी कमजोरी किसी को पकड़ में नहीं आनी चाहिए। आगे नेक्स्ट देखिए, पय मिटा कर पाक जो इमरत सींचीजिए उर कड़वाई आँख रंचन मुके राजिया। पय यानी दूध, दूध को कितना ही मीठा कर दिया जाए, जो अमृत सींचिए या अमृत भी सींच दिया जाए, उर कड़वाई आँख रंचन मुके राजिया, लेकिन जो आँख यानी आंकड़े का जो जो पौधा होता है उसमें कभी भी कितना ही उसमें अमृत डाल दिया जाए, कितना ही मीठा पानी मीठा दूध डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी कड़वापन नहीं छोड़ता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो कड़े के कड़े ही रहते हैं। रंचन मुके, रंच यानी तनिक भी नहीं जो है मुकते हैं, यानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर दुर्जन व्यक्ति होता है और जो स्वभाव से खराब व्यक्ति होते हैं, हम उनको कितना ही समझाएं, कितनी अच्छी बातें बताएं, कितनी गुण की बातें बताएं, लेकिन वो अपना स्वभाव, जन्मजात स्वभाव नहीं छोड़ता है। तो ये हम जैसे जड़ अगर हम बात करें, सांप जो होता है, सांप को चाहे कितना ही दूध पिलाया जाए लेकिन फिर भी वो जहर उगलना बंद नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्तियों से हमें दूरी ही रहनी चाहिए जो जन्मजात बुरे होते हैं, यानी जन्मजात जिनके लक्षण ठीक नहीं होते हैं। तो ये हमारा राजियारा सोरठा कृपाराम खीलिया द्वारा लिखित पाठ जो है पूरा होता है। अब ये कठिन शब्दार्थ आपको एक बार याद करने हैं, इनको आपको कॉपी में नहीं उतारने हैं। आगे आइए क्वेश्चन आंसर पे। राजिया का मूल नाम था, क्या था? राजाराम। दूध एवं जल की मिलावट को कौन अलग करता है? राजंश, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया था। अति लघु में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने हैं अति लघु के। कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है? दूध एवं नीर को कौन अलग कर सकता है? पांचवा जो क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए, ये कॉपी में आपको उतारने। लघु उत्तरात्मक में आइए, इसमें आपको जो है नौवा और दसवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आंसर कॉपी में उतारने हैं। नौवा, अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं, संकलित अंश के आधार पर हमें स्पष्ट करना है, मित्रता के बारे में समझाना है। दसवा जो क्वेश्चन है, जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है, संकलित अंश के आधार पर हमें स्पष्ट करना है कि जो जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती है किसी व्यक्ति की, मान लो जानवर की, मान लो प्रकृति की, मान लो, तो वो बदलना असंभव है, यानी वो बदल नहीं पाती, वो प्रवृत्तियाँ वैसी की वैसी रहती है। तो इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ा कर अपने शब्दों में लिखना है। इसके बाद में आप आइए निबंधात्मक क्वेश्चंस में, इसमें आपको जो है ग्यारहवा करना है, संकलित अंश के आधार पर हिम्मत एवं पराक्रम के महत्व को स्पष्ट। ग्यारहवीं के बाद में आपको तेरहवा करना है, निम्नलिखित पंक्तियों की आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है, जिसमें दोनों करने हैं। पहला, दूध नीर मिल दोए एक जैसी आकृति हुए, करेन न्यारो कोई राजहंस बिना राजिया, यानी इसमें सहप्रसंग में आपको क्या करना है, पहले प्रसंग समझाना है, उसके बाद में व्याख्या करनी है, फिर आपको विशेष करना है। प्रसंग में आपको हमारी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक 10 से संकलित जो कृपाराम खीलिया द्वारा लिखित जो रचना है राजियारा सोरठा, वहाँ से लिया गया है, और इसमें राजिया को संबोधित करते हुए नीति के दोहे जो है कृपाराम खीलिया ने बताए हैं, उसके बाद में आपको व्याख्या करनी है, व्याख्या करने के बाद में आपको विशेष में लिखना है। विशेष में आप दो से तीन पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये क और ख, ये भी आप विशेष के अंदर जो है आप एक तो भाषा ले सकते हैं कि भाषा कौन सी है, कि उन्होंने राजस्थानी मिश्रित डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। इसके अलावा जो मैंने बोर्ड पर आपको बता ही दिए हैं कि इसमें छंद कौन सा है, वेण सगाई छंद है, अलंकार कौन सा है, अलंकार सोरठा है ही। तो इस प्रकार एक भाषा का एक छंद का हो जाएगा, एक अलंकार का हो जाएगा, एक आपको कोई विशेष बात क्या अच्छी लगी है, भाई जैसे मान लो राजहंस की विशेषता बताई गई है, दूसरे में कोमलता की विशेषता बताई गई है, कमजोरी की विशेषता बताई गई है, भाई कमजोरी जो अगर एक बार पकड़ में आ जाती है, तो इस प्रकार विशेष करके तीन से चार पॉइंट आपको विशेष में लिखने हैं। ये आपको आपकी जो है कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।